अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo की तरफ से न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन की, जिसका नाम है Vivo Z1 Pro। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस पाकिस्तान में रखी जाएगी 35,000 से 40,000 रुपए के दरमियान। इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो है Realme 3 Pro, Redmi Note 7 Pro, Vivo का V11 और Oppo का F11। और इसका सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो Huawei का न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन Y9 Prime 2019 है। अब इस सब के बारे में मजीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली कर लें इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी, आप देख रहे हैं प्राइस वॉर का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करते हैं। Vivo Z1 Pro आता है 6.53 इंच की IPS LCD स्क्रीन के साथ। बिल्ड की बात करें तो इसके फ्रंट पे ग्लास है और बैक प्लास्टिक की है, और इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का है। OS में ये फीचर करता है फ्रंट टच 9, जो कि Android 9 Pie पे बेस्ड है। चिपसेट इसमें यूज की गई है Qualcomm की Snapdragon 712, जो कि 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बनी हुई है, और 710 से रिलेटिवली न्यू है, तो इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर मालूम होगी 710 से। CPU की बात करें तो इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर यूज किया गया है, 2 इसमें यूज किए गए 2.3 GHz Cairo 360 Gold, और 6 इसमें यूज किए गए 1.7 GHz Cairo 360 Silver। GPU में इसमें यूज किया गया है Adreno 616। इसमें माइक्रो SD कार्ड की अवेलेबिलिटी है, जिससे आप 256 GB तक इसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज और रैम की बात करें तो ये दो वेरिएंट्स में आता है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 6 GB रैम वाला वेरिएंट, और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 4 GB रैम वाला वेरिएंट। Vivo Z1 Pro फीचर करता है रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 MP f1.8 का मेन कैमरा, 8 MP f2.2 का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 2 MP f2.4 का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। फ्रंट में ये फीचर करता है 32 MP f2.0 का सेल्फी कैमरा। इसमें माइक्रो USB 2.0 दी गई है, हेडफोन जैक की अवेलेबिलिटी है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसका रेयर साइड पे दिया गया है। इसकी बैटरी 5000 mAh की है, और इसके साथ 18 वॉट का चार्जर आता है। Vivo का Z1 Pro 3 कलर के वेरिएंट्स में आता है, सोनिक ब्लू, सोनिक ब्लैक और मिरर ब्लैक, जो कि बड़ा हॉन्टेड सा नाम है। अब इसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका सबसे बड़ा जो कंपेटिटर होने वाला है वो है Y9 Prime 2019, Huawei की तरफ से जो स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। अब जो Huawei Y9 Prime 2019 है, बड़ा वैल्यू फॉर द मनी स्मार्टफोन, बहुत अच्छी प्राइस में बड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आया। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि Vivo का ये पहला स्मार्टफोन है जो कि मुझे लगा है कि वाकई वैल्यू फॉर द मनी दे रहा है, और जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन यूज़ किए हैं। सबसे अच्छी बात है प्रोसेसर बहुत अच्छा है, वरना Vivo हमेशा डंडी मारता है प्रोसेसर के अंदर, और बैटरी इसके अंदर बहुत अच्छी दी है। अभी तक मुझे कोई और स्मार्टफोन नहीं दिखता Vivo के अलावा जो इनकी लाइनअप है। 5000 mAh बैटरी इन्होंने दी है, प्रोसेसर अच्छा है, स्क्रीन क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो स्मार्टफोन की ग्रेडियंट कलर्स हैं प्लस जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो सोच रहा हूँ इन दोनों का कंपैरिजन भी बनाऊँ। अब आप लोगों की अपनी सजेशन होगी, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई और राय है तो कमेंट बॉक्स यूज़ करें और हम उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कर लें इसको लाइक, और अपने दोस्तों के साथ इसको कर दें शेयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अभी के लिए दिए मुझे इजाज़त, दिस इज़ साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।